Good afternoon, students. Welcome back to online classes of Math subject. In a previous class, we have studied about the place value chart. Example number one, Indian system by separating the periods using a commas. Open your textbook. Page number 20. Previous class में हमने इंडियन सिस्टम बाय सेपरेटिंग पीरियड्स यूजिंग कॉमा ये देखा था. शॉर्ट एग्जांपल फर्स्ट ये टेबल देखा था. नाउ वी आर गोइंग अवर नेक्स्ट टॉपिक इज राइट द नंबर नेम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द इंडियन सिस्टम. हमको नंबर नेम्स लिखना है. फर्स्ट हमको अरेंजिंग करना है, उसके बाद पीरियड्स के हिसाब से अरेंज करने के बाद उनका हमको नंबर नेम्स लिखना है अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स. ओके, सो एग्जांपल नंबर टू देखिए. ओपन योर टेक्स्टबुक पेज नंबर 20 और एग्जांपल नंबर टू आपको लिखना है. लुक एट द बोर्ड. लिसन हियर. ए है, बी, सी एंड डी. इसमें से फोर एग्जांपल मैंने दिए हैं. उसके बाद ई और एफ आपको लिखना है. ये टेबल हम मेक करने वाले हैं. ये वाला टेबल पेज नंबर 21 का टेबल हम देखेंगे. राइट, वी फर्स्ट अरेंज द न्यूमरल्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट. वी फर्स्ट अरेंज द न्यूमरल्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट. दिस इज द प्लेस वैल्यू चार्ट. ओके, एंड सेपरेटिंग द पीरियड्स. दिस इज सेपरेटिंग द पीरियड्स. ओके, वंस, थाउजेंड एंड लैक्स. दिस इज द पीरियड. दे आर हियर सेपरेटिंग द पीरियड्स. And from right side we are separating the periods and in each numeral we may read. हमको read करना है, उनके number names लिखना है. यहाँ place value chart में arrange करके हमको उनका number names लिखना है. तो चलिए देखते हैं कैसे number names लिखते हैं. A A है यहाँ. एग्जाम्पल ए का क्या है, हम यहाँ राइट साइड से एक एक नंबर अरेंज करेंगे. जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने कॉमर्स के इसमें इंडियन सिस्टम के इसमें किया था, वैसे एक एक नंबर हम यहाँ से राइट साइड से कभी भी हम नंबर मतलब जो नंबर है वो लिखते हैं, अरेंज करते हैं. देन फर्स्ट इज 7. ओके, वंस में क्या आएगा, 7. टेंस में 0, 0. 100 में 2. क्या आएगा, 2. उसके बाद 1000 में 0. 10,000 में 3. ऐसे आपको पहले क्या करना है, अरेंजिंग करना है. क्या करना है, अरेंजिंग करना है. सो ये ए का हुआ. हमने ये न्यूमरल गिवन नंबर हमने अरेंज कर लिया है, पीरियड्स के हिसाब से अरेंज कर लिया है. अभी हम उसका नंबर नेक्स्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड्स प्लेस. ओके, सो 3000 कितना है, 3. यहाँ 7 वंस प्लेस पे है, 10 जीरो प्लेस पे, 100 टू, 1000 जीरो, 10,000 कितना, 3 प्लेस पे है. तो ये कितना होगा, हम ये 1000 का कॉलम देख रहे हैं, 1000 का पीरियड देख रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, 30,000. कितना लिखेंगे, 30,000, क्योंकि ये 30 के पीरियड में है. ओके, 30, टी एच आई आर टी वाई. ओके, 30,000. 1000 किस पे लिख क्या है, टी एच ओ यू एस ए एन टी. ये आपको स्पेलिंग लर्न करना है, 30, टी एच आई आर टी वाई, 30, टी एच ओ यू एस ए एन टी, 1000. और उसके बाद 2 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे. देखो कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे. तो फिर क्या लिखेंगे, हाँ, 200 7. यार टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है, है ना, 207, एस ई वी ई एन 7. ओके, ये हो गया कंप्लीट.
ये से आपको लिखना है। नेक्स्ट बी है, वैसे ही आपको अरेंज करना है। राइट साइड से 5 1 प्लेस पे आएगा, 10 प्लेस पे 9, 100 प्लेस पे 6, 1000 प्लेस पे 0, यहाँ क्या आएगा 8 और 4। ये हमको ऐसे अरेंज करना है, 4 8 0 6 9 and 5। इस तरीके से आपको इस राइट साइड से राइट हैंड से आपको अरेंज करते हुए आना है। उसके बाद उसका नंबर एक लिखना है, सभी एग्जांपल को आपको ऐसे ही लिखना है। ओके, ये 4 कौन से प्लेस पे है, देखो कौन से प्लेस पे है, कौन से कॉलम में है, ब्लैक कॉलम में है। ओके, 4 कौन से कॉलम में है, देखो यहाँ ब्लैक कॉलम में दिख रहा है आपको, तो 4 ब्लैक, क्या लिखोगे आप, 4 ब्लैक लिखना है, 4 ब्लैक एंड 8 कौन से प्लेस पे है, 4,80,000, ये 1000 का पीरियड है, 4,80,000, EIGHTY 80,000, TFOUSANDY 1000, 80,000, 600, 6 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे, 695, 90, 95, 95, 95, ऐसे आपको अरेंज करते हुए नंबर पे लिखना है। 4,80,695। उसके बाद नेक्स्ट है सी, ऐसे ही आपको अरेंजिंग करना है। एक राइट हैंड से ए, उसके बाद 1, उसके बाद 0 and 0 6 और 3 है, यहाँ 3 हुआ अरेंज। उसके बाद आपको नंबर नहीं लिखना है, यहाँ 3 कौन से प्लेस पे है, ब्लैक कौन से पीरियड में है, लैक, और प्लेस कौन सा है, लैक। ओके, 3 लैक, THREE LAKH, लैक 3 लैक। उसके बाद कितने थाउजेंड हो गए, 60,000 है ना, 60, ये 1000 के प्लेस में है, 60,000, 3 लैक 60, SIXTY 60,000 TFOUSANDY 1000, 3,60,000, 100 प्लेस पे 0 है, तो 0 की हम कुछ नहीं लिखते, 0, 3,60,000, 80, EIGHTEEN, 80, ऐसे आपको अरेंज करना है। 1, 6, 3, 6, 5, 0, 6, ये हमने अरेंज कर लिया। अब हमको प्लेस के हिसाब से उसका नंबर बैंक लिखना है। नंबर बैंक कैसे लिखेंगे, 1 कौन से प्लेस पे है, 10 लाख प्लेस पे है, 6 लाख प्लेस पे है, 3 10,000 प्लेस पे है, 6,000 प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, 5
ये जीरो टेन स्पेस पे है और जीरो ये सॉरी सिक्स ये वन स्पेस पे है। तो हम इसकी कैसे लिखेंगे, 16 लाख लिखेंगे। कैसे लिखेंगे 16 लाख, 1 लाख नहीं, ये दोनों आएंगे, ये दोनों नंबर आएंगे क्योंकि ये लाख का भी रेट है। तो हम इन दोनों नंबर को लेंगे 16 लाख, 16 लाख, 16 SISTEEN, LAKH लाख 16 लाख। नेक्स्ट है ये दोनों मेरे 1000 है, ओके 16 लाख 36 थाउजेंड, ये दोनों को लेना है क्योंकि ये 10,000 और 1000 है, ओके 36,000 THIRTY 36,000 DHOUSANDT, ओके 16 लाख 36,000 500 टेन स्पेस पे जीरो है तो इसका कुछ नहीं है, 506 कैसे लिखेंगे, 500 106 SIX 506। तो इसी हिसाब से आपको प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर पुट अप करके आपको उसका नंबर नेक्स्ट लिखना है, ओके। और ELF आपको बुक में से टेक्स्ट बुक में से लिखना है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, राइट द नंबर नेम्स, ओके बाय द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द इंडियन सिस्टम, ओके। सो